आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में और ये आप सभी का प्रतिशत का आठवां नंबर पार्ट है, ठीक है ना। और एक बात, ये जो मैंने आप सभी को आठ क्लास करवाए हैं, आप इंडिया का कोई सा भी एग्जाम देने जाओ, रेलवे का, एसएससी का, बैंक का, मैंने ए टू जेड कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, जितने भी टाइप के सवाल आपके एग्जाम में बनते आए हैं या बन रहे हैं, हर एक टाइप का सवाल मैंने कवर कर लिया है। अगर ये आठ पार्ट का नोट आपके पास है ना, अगर नोट्स रखे हैं, तो आप नहीं बोल सकते भैया एक भी क्वेश्चन छूट रहा है। कोई भी किताब खोलो, प्रतिशत का सवाल आपसे बनेगा, अगर ये आठों क्लास आपने देखा है तो। एक स्पेशल क्लास भी लूंगा मैं, डाउट सेशन, जहां पर आप सभी को ये बोलूंगा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपके पास कोई भी किताब है, उस किताब का अगर कोई भी सवाल आपसे अटक रहा है तो उस सवाल को मुझे सेंड करो, मैं आपको वो सवाल भी कराऊंगा। लेकिन शर्त यही है, ये आठों पार्ट देखना, उसके बाद आप बोलेंगे भैया सब सवाल ऑलमोस्ट बन जा रहा है और बहुत जल्दी बन रहा है। और आज की क्लास में जो है ना, मोस्टली अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। अच्छे क्वेश्चन मतलब, अब बहुत जन ना बोलेंगे भैया क्वेश्चन बहुत हार्ड लग रहा है, अरे ये आठवां क्लास करवा रहे हैं तो आप अभी भी वो लेवल मत उम्मीद करो कि बहुत कम लेवल, अब आपको खेलना सिखा दिए। अब जो है आठ क्लास अगर आपने प्रॉपर वे में देखा है तो आप क्या है ना, अब अच्छे स्टूडेंट में और कमजोर स्टूडेंट में कुछ अंतर नहीं रह गया, दोनों को मैंने बराबर में लाकर खड़ा कर दिया है। अगर आठों क्लास के नोट्स है और प्रॉपर नोट्स है तो टक्कर दे सकते हैं आप उनको, बस प्रैक्टिस का थोड़ा कमी है। तो प्रैक्टिस करो, उस टाइप के सवाल को टक्कर देने लगोगे, मैथ कमजोर, प्रॉब्लम खत्म। ऐसे हर एक चैप्टर को मैं आप सभी को कंप्लीट करवा दूंगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये निकल कर आ रहा है, इसको आपको सॉल्व करना है। और आज ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं, जितने भी कराऊंगा लाजवाब सवाल कराऊंगा। यह सवाल भी हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन प्रतिशत में मेंसुरेशन घुसने के वजह से क्वेश्चन थोड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि मेंसुरेशन बहुत जन पसंद करता नहीं है, फिर भी मैं करवा रहा हूं कि क्वेश्चन अक्सर पूछता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी वृत्त यानी सर्कल की त्रिज्या, रेडियस की बात कर रहा है, उसमें 25% का वृद्धि हो गया तो सर्कल वृत्त के क्षेत्रफल में कितना बदलाव आएगा, यह आपको बताना है। सवाल तो पानी के तरह क्लियर हो गया होगा। ये इसको क्या बोलते हैं भैया, ये तो सर्कल है, अच्छा ये बीच वाला क्या है भैया, त्रिज्या है, रेडियस है। सवाल बोल रहा है ये जो त्रिज्या रेडियस है ना, ये 25% बढ़ गया, बढ़ने के वजह से क्या होगा, क्षेत्रफल में बदलाव आएगा, जाहिर सी बात है। तो वो क्षेत्रफल में कितना बदलाव आया है यही आपको बताना है। तो उसके पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि एक सर्कल का, एक वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है। तो वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ये होता है आर। क्या होता है भैया, आर को ही त्रिज्या बोलते हैं, यही होता है आर, ठीक है। कितना का वृद्धि हुआ है, 25% का। मैंने हजार बार बता चुका हूं 25% का मतलब 1/4 होता है, यानी पहले 4 था तो अब कितना हो गया, 4 में 1 बढ़ गया, 5 हो गया, यानी पहले 4 था अब कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक। दिक्कत तो पहले क्षेत्रफल था कितना एरिया, तो आप बोलेंगे पहले का एरिया निकाल लेते हैं भैया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर पहले का एरिया निकाल लेते हैं। तो पहले हमारा त्रिज्या था कितना, 4, तो कितना होगा अब बताओ, कितना होगा पहले का क्षेत्रफल, तो पाई और 2r यानी 4 × 4, तो कितना हो जाएगा, 4 × 16, यानी पहले जो क्षेत्रफल था ना भैया वो 16 पाई था। हम बोलेंगे बहुत बढ़िया, अच्छा थोड़ा ब्लू पेन से लिखते हैं, अभी क्षेत्रफल कितना हो गया, तो अभी क्षेत्रफल, अरे अभी जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, तो पाई अभी त्रिज्या कितना बढ़ गया, 25% यही बोला है ना, 4 × 5 हो गया, यानी 5 × 5 यानी 25 पाई, यानी पहले क्षेत्रफल देख रहा होगा आपको, पहले 16 पाई था अब कितना हो गया, 25 पाई। कितना का बदलाव आया, तो बदलाव भैया ना 9 पाई का आया, और ये बदलाव कहां से आया, 16 पाई से,
तो कितना प्रतिशत चेंज आया है? 9 पाई का चेंज आया है, कहां से आया है? 16 पाई से। तो 100 प्रतिशत के लिए तो पाई से पाई गया, उसके बाद 4 से काटो 25, 4 से काटो 4, और 4 से ये 9 काटेंगे कितने बार में कटेगा बताइए? 2.25। ठीक, बहुत बढ़िया। अब गुना करेंगे, 25 दूनी 50 और यहां पर हो जाएगा आपका 56.25% हमारा आंसर। इतने प्रतिशत का बदलाव आया, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है अगर आप समझेंगे तो। रटेंगे तो नहीं होगा ना, रटना नहीं है। मैथ को बहुत जन क्या करता है, रट लेता है। मैं बोलता हूं बार बार कि आपको रटना नहीं है, ठीक है। अगला सवाल इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के पास एक और है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है एक गोलाकार सिलेंडर है, मतलब भैया अरे ये वाला सिलेंडर है। अब इसमें क्या बोल रहा है ना, 40% जो है वो आप सभी का त्रिज्या इसका बढ़ गया है, बढ़ गया त्रिज्या, बड़ा है, बढ़ गया है त्रिज्या, कितना 40%। ठीक, उसके बाद बोला है इसकी ऊंचाई जो है ना, जो इसकी ऊंचाई है वो 37% घट गया है। तो आपको बताना है कि आयतन में कितने प्रतिशत का बदलाव आया है, वॉल्यूम में पूरा। फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। तो पहला निकाल लो, पहले कितना था अभी कितना है, हो गया काम खत्म। अब देखो पहले त्रिज्या था कितना, तो कितना का बदलाव आया है, 40% त्रिज्या बढ़ गया है, 40% का बढ़ गया है। 40% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं 2/5, यानी पहले 5 था अब 2 की बढ़ोतरी 7 हो गया है, यानी पहले 5 अब 7। अच्छा, हाइट ऊंचाई में कितना बदलाव आया है? 37% घट गया है भैया, 37% को बोलते हैं भिन्न में 3/8, यानी पहले भैया 8 था अब 8 में 3 घट गया, यानी अब 5 हो गया। ठीक, दिक्कत? पहले एरिया कितना था? एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर का मतलब पहले 5 था, 5 × 5, और एच कितना था पहले? पहले एच 8 था। तो 8 × 5 = 40, 40 × 5 = 200, यानी पहले जो था वो 200 पाई था, अब कितना है ये भी पता लगाओ। अब जो है ना भैया, अब जो है वो आपका पाई अब कितना है, 7 हो गया त्रिज्या 5 से, 7 × 7 × ये घटा है ना 5, तो 7 × 7 = 49, 49 × 5 = 245 पाई। दिख रहा है ना कितना का बदलाव आया है? तो भैया बदलाव भैया 45 का आया है, ये 45 पाई का बदलाव कहां से आया है? 200 पाई से। बहुत बढ़िया भैया, गुना 100, 100 से ये पाई से पाई गया, 100 से 200 दो बार में, और 45 से 22 कटेगा, 22.5% का बदलाव आया है। ठीक, सभी को सवाल समझ में आ रहा होगा, आठवां क्लास है, नोट्स रखना प्रॉपर। अगला सवाल हमारे सामने इजी सवाल है, ये वाला भी अच्छे से देखो। आज जितने भी सवाल है आज सारे सवाल बेहतरीन है, सारे सवाल। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है तो 17 में, 2017 से 18 तक ए एंड बी का वेतन जो है वो 20% और 30% तक क्या है, बढ़ गया है। 17 से 18 तक ए और बी का, ए का कितना बड़ा है 20%, बी का कितना बड़ा है 30%। अब आगे बोल रहा है यदि उनका वेतन जो है 2018 में समान है, इक्वल है, तो आपको यह बताना है 17 से 18 के दौरान उनके वेतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ है। देखो भाई ये 17 है, ये 18 है, ठीक ठीक, दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। 20% का इंक्रीज हुआ है सैलरी 17 से 18 ए का। मान लो ये ए है, ये मान लो बी है,
ठीक है ना, ए का देखेंगे बी का देखेंगे, ए का कितना बड़ा है 20%, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, ये तो आप सभी सीख गए होंगे, यानी पहले 5 था अब कितना हो गया ए का 6 हो गया, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। फिर बोल रहा है 30% वृद्धि हुआ है, 30% का मतलब 3/10, ठीक, यानी पहले 10 था अब कितना हो गया 13 हो गया, क्योंकि 10 में 3 बड़ा 13 हो गया, ठीक। बी का पहले 10 था अब कितना हो गया 13 हो गया। अब सवाल में बोला है कि 18 में ना दोनों का सैलरी बराबर है, लेकिन 18 में कहीं पर नजर आ रहा है क्या कि दोनों का सैलरी बराबर है, कहीं नजर आ रहा है? 18 में ए का सैलरी अनुपात में 6 है, बी का सैलरी अनुपात में 13 है, लेकिन सवाल में बोला है दोनों का सैलरी समान होना चाहिए, तो इसको इक्वल कर दीजिए। इसको हम क्या इक्वल कैसे कर सकते हैं दोनों को, इसको 13 से गुना कर दीजिए और इसको 6 से गुना कर दीजिए तो बराबर हो जाएगा, 13 × 6 = 78 और 13 × 6 = 78, ठीक। तो अगर इसको 13 से गुना करेंगे तो इसको भी करना पड़ेगा, तो 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, ठीक, 10 × 6 = 60 और 13 × 6 = 78। अब सैलरी 18 में बराबर लग रहा है, देख लो कितना का वृद्धि हुआ। तो पहले सैलरी कितना था भाई, 60 = 60 = 120 = 125 था, 18 में कितना है देखो, 40 = 156 है, वृद्धि हुआ है ना? हाँ भैया वृद्धि हुआ है। कितना का वृद्धि हुआ है थोड़ा देखिए तो भैया, 25 और 6 = 31, 31 का वृद्धि हुआ है। कहां से हुआ है? ये 125 से हुआ है। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 करेंगे, निकाल दीजिए आंसर निकल जाएगा। यहां से काटेंगे आप 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, और ये कटेगा आपका 6 × 5 = 30, 6.2, ठीक, फिर 6 × 6 = 24 और 4 × 2 = 8, यानी 24.8% का बदलाव आया है। ये सवाल है, कुछ नहीं है सवाल में, कुछ नहीं है सवाल में, कुछ नहीं है। आठवां क्लास आप सभी कर रहे हैं, ये जो चीज करवा रहे हैं ना, ये इसका पूरा का पूरा किताब खोल कर रख दिए हैं दूसरे तीसरे क्लास में। अगर डायरेक्ट आठवां क्लास देख रहे प्रॉब्लम होगा, मेहनत करो यही टाइम है, अगर ये समय चल गया ना तो बहुत पछताओगे। जितना बटोरना है बटोर लीजिए, अगला सवाल हमारे सामने ये है। आज सारे सवाल अच्छे कराऊंगा, और ये सब जितने भी सवाल करवा रहे हैं ये उतने अच्छे लेवल का सवाल नहीं है। अभी मेरा फेवरेट क्वेश्चन आने वाला है, पसंदीदा क्वेश्चन अभी आया नहीं है मेरा, एक क्वेश्चन ये जो आसान है करवा देते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक इलेक्शन में ना 10% लोगों ने वोट दिया ही नहीं। अच्छा मान लो 100% अगर वोट है, 10% लोग वोट देने आए नहीं, तो 100 का 10% कितना होगा? 10। अगर 100 में से 10 निकाल दे तो कितने परसेंट वोट लोग देने आए? 90% लोग वोट देने आए हैं, 90%, ठीक है। अब बोल रहा है जो जीता है ना उसको 60% वोट मिला है। अब वोट किसका मिला है? जितने वोट पड़े हैं, वोट कितने पड़े हैं? वोट 90% मिला है, क्योंकि टोटल वोट गांव में 100% था, 10% देने नहीं आए, तो देने कितने आए? 90%। तो 90% का 60% वोट उसको मिला है जो जीता है, तो 90 का 60% कितना होगा? आसानी से निकाल लेंगे, 9 × 6 = 54, यानी 54% वोट मिला है एक जन को। तो दूसरे को कितना मिला होगा? 90 में से 54 जाएगा 36%, यानी एक को 54% मिला है तो दूसरे को 36% वोट मिला है। इतना तो बात सभी को समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं, बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूं। आगे बोल रहा आप सभी को, जो आदमी जीता है ना उसको 180 वोट ज्यादा मिला है। अच्छा एक को 54% वोट मिला है, दूसरे को 36% वोट मिला है, तो इसको प्रतिशत में कितना ज्यादा मिला है? तो देखेंगे प्रतिशत में 18% ज्यादा मिला है, और वोट के मामले में कितना ज्यादा मिला है? तो वोट के मामले में 180 ज्यादा मिला है, यानी ये 18% 180 के बराबर है। तो 100% कितने के बराबर होगा? यार क्लियर नजर आ रहा है, 1% का मतलब 10 होगा भैया, तो 100% का मतलब 1000 होगा भैया।
यानी 1000%, यानी उस गांव में टोटल वोट देने वाले कितने व्यक्ति थे, तो 100% का मान 1000 है। सवाल में पूछा क्या है वो निकालते हैं। सवाल में बोल रहा है तो कुल मतदाताओं की संख्या, तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें, ठीक है भाई, कितना जो वोट दिए है वो बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ वोटर 1000, आंसर निकल गया 1000, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोले वोटर्स इसका निकाल सकते हैं 900, कुछ भी पूछे आपसे निकल जाएगा, कोई डाउट नहीं है किसी को, क्योंकि ये सब सवाल बहुत 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 आसान है। अभी तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन आया ही नहीं है, उसको लेकर आते हैं। ये सवाल करवाते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा सवाल बड़ा करेंगे ताकि सभी को एक बार अच्छे से सवाल दिखे और समझ में आए कम से कम। देखो, जीरो से हीरो लेवल टच किए हैं ये आठों क्लास में, कोई नहीं बोल सकता भैया लेवल के क्वेश्चन भी नहीं करवाए, देख लो किताब उठाकर। एक सवाल आप सभी के सामने ये है, ये सवाल ना एक बार आप सभी स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार मैं आप सभी को जज करूंगा कितने लोग इसका आंसर सही दे रहे हैं। हालांकि सवाल उस लेवल का नहीं है, अभी मैं सवाल लेकर अभी आगे कराऊंगा, और जब मैं डाउट सेशन लूंगा ना उस समय ये सवाल आपको सॉल्व कराऊंगा। एक बार मैं देखूंगा, कमेंट्स पढ़ूंगा कितने लोग इसका आंसर सही दे रहे हैं। सभी कोई एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, सभी ट्राई करेंगे, सबसे बनेगा ये सवाल, बहुत आसान है, कुछ नहीं है सवाल में। चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। हाँ, एक सवाल ये है जो हलवा है, हलवा सवाल है। आप सवाल जब देख रहे होंगे ये वाला, थोड़ा डर लग रहा होगा। देखो, सवाल में डरने का तो बात ही नहीं है भाई, सवाल क्या बोल रहा है। एक्चुअल में कभी कभी क्या होता है, बच्चों को डराने के लिए किसी सवाल में इतना फालतू का डाटा देगा ना कि बच्चे कुछ सवाल को स्टार्टिंग में पढ़कर छोड़ देंगे, जबकि सवाल में तो भाई कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। पहले पढ़ो आपसे सवाल में मांगा क्या है, डर लग रहा है पढ़ने के बाद ना, 30% पुरुष 25, अजीब लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन देखो सवाल में कुछ है ही नहीं। देखोगे आप, देखिए सवाल में आपसे क्या पूछा, पहले वो पढ़ लीजिए, लास्ट लाइन पढ़िए। सवाल में बोला है तो फुटबॉल खिलाड़ी का प्रतिशत कितना होगा जो 50 साल या कम उम्र के हैं। अच्छा, तो कितने कितने फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका उम्र या तो 50 साल है या 50 साल से कम है। अरे बाप रे भाई, बस इतना पूछा है भैया, कितने खिलाड़ी ऐसे हैं, प्रतिशत में बताना है, कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका उम्र या तो 50 साल है या 50 साल से कम है, यह सवाल बताना है, ठीक, दिक्कत नहीं। अब सवाल पढ़ते हैं। सवाल में बोला है 30% आदमी जो है वो 25 साल से ज्यादा, 80% ये हलवा फलवा, बाबू बकवास, डायरेक्ट इस लाइन पर आओ आप सभी। यदि 50 साल से, यहां पर तीन नंबर लाइन से पढ़ो, सवाल का आंसर उसी में छुपा हुआ है, ध्यान से। सभी पुरुष में से, यानी जितने भी पुरुष हैं उसमें से 20% फुटबॉल खेलते हैं। अरे भाई, अगर पुरुष पूरे 100% है तो 20% फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक, दिक्कत। अगर पुरुष 100% है तो 20% क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं भाई, दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ लेते हैं। यानी 100 में 20 लोग क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है ना, फुटबॉल ही तो खेलना है। तो जितने भी पुरुष है 20% फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी 100 में से 20 लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, आगे सवाल में से बोल रहा है कि 20% ऐसे लोग हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं जो 50 साल से ज्यादा है। यानी यहां पर समझना है क्वेश्चन का फेर, सवाल का तो मतलब यही समझना है कि सवाल में बोल रहा है आप सभी को 20% ऑफ द मेन ऑफ अबव द एज ऑफ 50 प्ले फुटबॉल। यानी अच्छा, फुटबॉल कितने लोग खेल रहे हैं, तो भैया फुटबॉल ना ये आदमी है भाई, ये पूरा का पूरा आदमी है, 100 आदमी से 20 आदमी फुटबॉल खेल रहा है, तो 50 साल से ज्यादा उम्र वाले कितने लोग खेल रहे हैं,
तो 20 लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, इसका 20% कितना होगा? 20%, तो 20 का 20% होता है आपका 4, निकाल लीजिए बहुत अच्छे से निकल जाएगा। यानी 4 लोग ऐसे हैं 20 में से जो 50 साल से ज्यादा है जो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो 50 साल या 50 साल से कम कितने लोग हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं? अगर 20 में 4 लोग ऐसे हैं जो 50 साल से ज्यादा हैं, तो बाकी लोग क्या होंगे? या तो 50 साल होगा या 50 साल से कम होगा, तो वो कितने लोग होंगे? 16 लोग। तो सवाल में आपको बोला है कितने लोग ऐसे हैं जो 50 साल से कम या 50 साल के हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो 16 लोग। ये 16 लोग कितने में? 20 लोग में, क्योंकि टोटल फुटबॉल कितने आदमी खेल रहे हैं? 20। प्रतिशत निकालना है, इतना इजी सवाल है। ये कितने बार में जाएगा? 5 बार में, 16 5 80% जो फुटबॉल खेल रहे हैं उसमें से 80% लोग ऐसे हैं जो 50 साल के हैं या 50 साल से कम है जो फुटबॉल खेल रहे हैं। घड़ी देखकर 20 सेकंड का सवाल है, और यही सवाल एग्जाम में आ गया ना, सीजीएल एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी एमटीएस एलडीसी आप छोड़कर आओगे, 90% लोग तो देखकर छोड़कर आएंगे, जबकि सवाल 20 सेकंड का है। हर एक टाइप के सवाल करवा रहा हूं, अगला सवाल देख लो आप सभी, ये वाला कुछ नहीं है भाई, ध्यान से। जब मैं मिश्रण कराऊंगा ना, मिक्सचर एलिगेशन और रेशियो प्रोपोर्शन, तो ये सब सवाल तो कुछ मतलब रह नहीं जाएगा, लेकिन प्रतिशत का थोड़ा है तो मैं सवाल ले लिया हूं। सवाल बोल रहा है एक मिश्र धातु है जिसमें तांबा कितना है? 89%। ठीक है, भाई कितना आसान सवाल है, सवाल में कुछ है, मान लो एक अलॉय है, मान लो कॉपर है, ठीक है, बाकी कुछ और मान लो जो भी है कॉपर, ठीक है, कॉपर कितना है? 89%। अगर ये 100 में 89% ये है, तो बाकी क्या होगा आपका? 11। एन एलॉय कंटेन 89% ऑफ कॉपर, फाइंड हाउ मच कॉपर इज टू बी मिक्स्ड टू बी सैंपल ऑफ द एलॉय सॉल्ट 44% ऑफ द न्यू हैविंग मेटल। अगर मान लो बाबू 89% अगर कॉपर है, तो बाकी मेटल, यहां पर आप M लिख दे रहे हैं, बाकी धातु कितना होगा? 11 होगा, 11 होगा। आपको बोल रहा है कितना कॉपर और मिलाया जाए, कितना कॉपर और मिलाया जाए कि ये कॉपर की मात्रा जो है ना वो 90% हो जाए, और कितने मिश्र धातु में? 44% मिश्र धातु में। यानी अब जो मिश्रण बनेगा वो 44 केजी का बनेगा, और उसमें कॉपर का मात्रा कितना होना चाहिए? 90% होना चाहिए। तो आपको ये बताना है इस 89% में और कितना कॉपर मिलाएंगे, कुछ प्रॉब्लम है। अब कितना करना है कॉपर को? 90%। अगर ये 90% होगा तो ये 10% होगा कि नहीं होगा? बचा हुआ। लेकिन एक चीज थोड़ा गौर करिए, तो बाबू हम मिला तो कॉपर रहे, तो ये बदलाव आया है 89 से 90 आया है, हम मिला कॉपर रहे तभी ये 89 से 90 हो गया, कुछ कॉपर मिलाना है हमको, लेकिन ये क्यों बदल रहा है 11 से 10? ये तो हम नहीं मिलाया ना, तो ये क्यों बदल रहा है? ये तो बराबर रहेगा ना, तो इसको पहले बराबर करो, क्योंकि ये घटे बढ़ेगा नहीं, ये तो बराबर रहेगा। अब देखो इसको बराबर कैसे करेंगे, इस 90 को आप 9 मान लो और 10 को 1 मान लो, कर सकते हैं। तो पहले इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 11 से गुना करिए और इसको 1 से, 11 11 बन गया, तो इसको करना पड़ेगा 1 से गुना, ये 89 11, इसको करेंगे 99, इसको करेंगे 11, ठीक। कितना मिला है, कितना मिला है यहां पर? 10 मिला है भैया, दिक्कत है, 10 मिला है भैया, 10, अच्छा 10 मिला है। अब नया मिश्रण कितना का बन रहा है? पहले मिश्रण 100 का था, अभी मिश्रण कितना का बन रहा है? 110 का बन रहा है। पहले 100 का था, अभी 110 का बन रहा है, लेकिन सवाल में बोला है 44 का बनना चाहिए, तो बोल सकते हैं ये 110 जो है ना भैया वो 44 के बराबर है, तो जो 10 मिलाए हैं वो कितने के बराबर होगा? तो 110 44 के बराबर है, इसको 11 से काटो तो कितना होगा? 10 बन जाएगा, इसको 11 से काटेंगे 4 बन जाएगा,
यानी 10 का मतलब 4 हो जाएगा, यानी 4 मिलाए हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? एक बार और समझा दे क्या? चलो एक बार और क्लियर करते हैं, और अच्छे से क्लियर करते हैं, किसी को डाउट रह गया है तो। सवाल में बोला है ना, एक मिश्र धातु है जिसमें कॉपर है और बाकी दूसरा मेटल है, ठीक है ना। उसमें कॉपर कितना है? 89 है। तो बाकी जो मेटल होगा, जो भी धातु होगा, वो कितना होगा? 11 होगा। अब बोल रहा है इसमें कितना और कॉपर मिलाए कि ये 90% हो जाए। अगर ये 90 होगा तो ये 10 होगा, लेकिन मिला तो हम कॉपर रहे तो ये बदल रहा है, लेकिन ये क्यों बदल रहा है? ये बदलना नहीं चाहिए ना, तो दोनों को पहले बराबर करो। तो ये 9 मान लो, ये 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन के लिए। तो इसको हम 11, इसको 11 कैसे कर सकते हैं? 11 से गुना करेंगे तो। अब इसको करते हैं तो इसको भी करते हैं, ये तो पता होगा ना। तो ये 89 11, ये 99 और ये 11, ठीक। कितना मिला है? 10 मिला है। ये 10 मिला रहे हैं तब। अब ये पहले कितना था धातु, मिश्र धातु 100, अब कितना हो गया? 110। लेकिन सवाल में बोला 44 होना चाहिए, इसका मतलब 110 जो है वो 44 के बराबर है। तो ये जो 10 मिला रहे हैं ये किसके बराबर है? और यही तो पूछ रहा है कितना मिला रहे हैं। तो 110 का मतलब 44, तो 10 का मतलब 4 होगा, मैंने आपको दिखा दिया है। तो कितना मिला रहे हैं? 4 केजी मिला रहे हैं, ठीक है ना। ये जो 10 मिला रहे हैं, ये 10 का मतलब क्या है? 4 केजी है, ठीक है। अगला सवाल, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला। और क्वेश्चन है क्या? ये लास्ट क्वेश्चन है, ये मेरा पसंदीदा क्वेश्चन है भाई। बहुत जन इस पर जल्दी हाथ नहीं मारता है, बहुत टॉप क्लास का क्वेश्चन है। अच्छे से एक बार समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है, आप पहले एक बार आप पढ़ो, एक बार जितना पढ़ोगे उतना क्लियर होगा। एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी से, एक बार ना क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में बोला है एक सेल्समैन है, उसको बोला यह है कि 3000 की बिक्री पर ना, अगर तुम 3000 का बिक्री करवाएगा तो एक्स प्रतिशत का कमीशन देंगे। अपने आप को समझ लो, तुम क्या हो? कमीशन हो। हम क्या है? हम सेल है। और कमीशन बोले आप सेल्समैन है, हम भी सेल्समैन है। हमको बोला गया है या आपको बोला गया है 3000 का बिक्री करवाएंगे तो एक्स परसेंट का कमीशन देंगे, ठीक है ना। और बोला है अगर 3000 से ज्यादा करवा दिया, अगर 3000 से ज्यादा करवा दिए बाबू, तो तुम्हें एक्स परसेंट का नहीं वाई परसेंट का कमीशन मिलेगा। क्या बोल रहा है भैया? बोल रहा है ना भाई कि नहीं, ये 3000 का तुम सेल करवाए ना तो तुमको कमीशन जो कंपनी है वो एक्स परसेंट का देगा, लेकिन जैसे ही 3000 से ज्यादा करवा दिया तो अब तुम्हें कमीशन एक्स परसेंट नहीं मिलेगा, अब तुम्हें कमीशन मिलेगा बाबू वाई परसेंट का। ये चीज बोल रहा है, ठीक है ना। अब सवाल में आगे बोल रहा है, जो सेल्समैन है उसे 1100 का कमीशन दिया जाता है 7000 रुपए पर। 7000 का बिक्री करवाता है तो 1100 का कमीशन मिलता है, और 11000 का बिक्री करवाता है तो 1660 का कमीशन मिलता है। तो x और y का कितना मान है यह आपको बताना है। अरे आसान क्वेश्चन है, देख लो एक बार ध्यान से भाई। अगर वो 7000 का बिक्री करवाया तो कमीशन कितना दिया गया? कमीशन दिया गया भैया आपका 1100 रुपया, ठीक है ना। दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर भैया वो 11000 का बिक्री करवाया ना तो उसको कमीशन कितना दिया गया? 1660 का, ठीक। दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब देखो सवाल में क्या बोला है, 3000 का बिक्री कराओगे तो x परसेंट का कमीशन, और 3000 से ज्यादा कराओगे तो y परसेंट का कमीशन, और x का मान क्या है y का मान क्या है यह आपसे पूछा है। और सवाल में बोल दिया है 7000 की बिक्री करवाने पर 1100 कमीशन, 11000 पर 1660 का कमीशन। यहां पर एक चीज देखिए, कितना ज्यादा बिक्री करवा रहा है 7000 से 11000, तो भैया 4000 का बिक्री करवा रहा है ज्यादा। अच्छा,
तो 4,000 पे कमीशन ज्यादा कितना बन रहा है? तो देखो ज्यादा बन रहा है भैया 560, यानी 4,000 पर 560 का कमीशन बन रहा है। इसको एक्स परसेंट मिलेगा कि वाई परसेंट मिलेगा? आप बोलेंगे 3,000 पर एक्स परसेंट मिलता है, ये 4,000 है यानी उसको वाई परसेंट मिलेगा। तो 4,000 का 560 कितना परसेंट होता है निकालो, 4,000 का 560 कितना परसेंट होता है भाई? क्लियर नजर आ रहा है 14 चौके 56 यानी 14%, यानी y परसेंट का मान कितना है 14%। ये क्लियर हो गया, ये पानी की तरह क्लियर हो गया। 4,000 पर 560 का कमीशन मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि y का मान जो है उसे कितना परसेंट मिला 14%, यानी y का मान जो है वो 14% है, क्योंकि 3,000 से ज्यादा बिक्री करवाने पर y परसेंट का कमीशन मिलता है, और 7,000 पर 1,100 मिल रहा था, 11,000 पर 660 मिल रहा था, कितना ज्यादा बिक्री करवाया 4,000, और कमीशन में कितना 560। तो 4,000 का 560 14% होता है, और 3,000 से ज्यादा बिक्री करवाने पर y परसेंट मिलेगा। ठीक, y का तो मान निकाल लिए, x का मान कैसे निकलेगा भैया? इसमें चाहे इसमें, दोनों में तोड़ दो, क्लियर? 7,000 में तोड़ते हैं, आसानी होगा। 7,000 के दो भाग में बांट दो, एक तो 4,000 में और दूसरा 3,000 में। ठीक ठीक, दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 4,000 पे कितना कमीशन मिल रहा है 560 का, और 7,000 पे 1,100 का। अगर 7,000 पर टोटल कमीशन कितना मिल रहा है, तो टोटल कमीशन मिल रहा है भैया 1,100 का, और 4,000 पे कितना मिल रहा है 560 का। अगर इस 1,100 में से 560 अगर निकाल दे, यानी 7,000 में 4,000 निकाल दे, तो क्या बचेगा 3,000, और इस 1,100 में से 560 निकाल दे तो जो कमीशन बचेगा वो 3,000 पर मिलेगा, वो कमीशन है। तो अगर 1,100 में से 560 निकाल दे तो कितना बचेगा 540, यानी 3,000 पर 540 कमीशन मिल रहा है। तो 3,000 पर क्या मिलता है x प्रतिशत, तो कितना परसेंट है 3,000 का 540, 18 3 54 यानी 18%, यानी x का मान हो जाएगा 14%, y का मान हो जाएगा आपका 18%। ये सवाल था आप सभी का, और ये हमारा आज का अंतिम सवाल था। एक वीडियो लाऊंगा जहां पर मैं आप सभी से बोलूंगा, अब घर में बैठकर कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं किसी भी बुक से, अगर किसी भी प्रतिशत का सवाल आपसे नहीं बन रहा है, ये 8 वीडियो देखने के बाद आप वो सवाल मुझे कैसे पोस्ट कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा, वो आपको कराऊंगा। लेकिन ये नहीं कि कुछ भी पूछ दिए, 8 वीडियो देखना, बहुत मेहनत की है इस 8 वीडियो को बनाने में, बहुत मेहनत की है, हर एक टाइप के सवाल मैंने करवाया है। क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा आप सभी। चलिए।